नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस के विषय में। बरसात का मौसम आता है, बरसात के मौसम में जैसे ही धूप साथ में निकलती है तो आप देखेंगे कि हम सब की जीवन में कभी ना कभी उस समय पर कंजक्टिवाइटिस हुआ होगा। आँखें गुलाबी हुई होंगी, आँखें लाल हुई होंगी, आँखों से कीचड़ आया होगा, आँखें चिपकी होंगी। कंजक्टिवाइटिस को साथियों पिंक आई भी कहते हैं। यह बहुत कॉमन कंडीशन है, बहुत हार्मफुल कंडीशन नहीं है, लेकिन ये भी सत्य है कि अगर किसी चीज़ का इलाज ना करा जाए तो वह ही क्रॉनिक होकर आपको नुकसान पहुंचाती है। आज हम आपको बताएंगे कंजक्टिवाइटिस यानी पिंक आई को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं कंजक्टिवाइटिस होती क्या है। कंजक्टिवाइटिस साथियों, यह जो एक कंजक्टिवा की मेम्ब्रेन आपकी होती है कॉर्निया के यहाँ ऊपर पे ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, आई बॉल छोड़ के जो आपका वाइट पोर्शन है स्क्लेरा, इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है कॉर्निया की। तो यह जो लेयर होती है इसमें जो है बहुत महीन महीन ब्लड वेसल्स होती हैं। वो इस समय हम बात कर रहे हैं तब भी वह मौजूद हैं, आप हमें देख रहे हैं तब भी वह मौजूद हैं, लेकिन कभी कभी होता क्या है, यह किन्हीं कारणों से स्वेल कर जाती हैं, इसमें सूजन आ जाती है, और जब सूजन आ जाती है इसमें तो आँखें बिल्कुल लाल दिखने लगती हैं। वही स्थिति को कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई कहते हैं। होम्योपैथी में पिंक आई को ठीक करने की बहुत कारगर दवाएं हैं, लेकिन हम लोग अब जान लेते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स साथियों, आँखों में कीचड़ आना, आँखों का चिपकना, आँखों का लाल होना, आँखों में रेत ऐसी गड़न होना, आँखों में भारीपन होना, सूजन होना, यही सब सिम्टम है कंजक्टिवाइटिस यानी पिंक आई के। इसके कॉजेस की बात कर लेते हैं साथियों। जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस की एलर्जी या एलर्जी होती है, बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन या एलर्जी का कोई एलर्जन हमला करता है तो हमारे बॉडी के जो मास सेल होते हैं, वो प्रतिरोधक क्षमता के जो सेल होते हैं, वो उस पर काउंटर अटैक करते हैं उसको रोकने के लिए, और वह हिस्टामिन्स प्रोड्यूस करते हैं। यह हिस्टामिन्स तमाम तरह के एलर्जेंस को प्रोड्यूस करती है जो इससे लड़ सकें, और वही सब जो म्यूकस के रूप में एक प्रोटेक्टिव गियर होता है हमारे आई का, वह पूरा सिक्रीट होता है। कभी कभी आई डक्ट को ब्लॉक होने पर भी जो है वह बच्चों में कंजक्टिवाइटिस, पार्शियल आई डक्ट की ब्लॉकेज होती है तब भी कंजक्टिवाइटिस हो जाती है, लेकिन मेन सिम्टम यही प्रतिरोधक क्षमता है जो बैक्टीरिया, वायरस या एलर्जन से होती है। लेकिन समस्या है साथियों, उसका समाधान भी है। हम आपको बताते हैं 10 ऐसी कारगर दवाएं जो आपके कंजक्टिवाइटिस को ठीक करने में मदद करेंगी। लेकिन उससे पहले साथियों यह बता दें कि यह दवाएं आपकी जानकारी के लिए, जैसा हमने कहा आई एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन है, तो किसी डॉक्टर से ही पूछ के आप दवा लीजिएगा। मैं आपको जानकारी ज़रूर दे रहा हूँ कि होम्योपैथी में ये विकल्प मौजूद हैं। चलते हैं साथियों सफ़र पे, जिस पे आपको बताते हैं कंजक्टिवाइटिस को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। नंबर एक दवा साथियों जो कंजक्टिवाइटिस को ठीक करने की होम्योपैथी में है, वह है बेलेडोना। अगर आपकी आंखें लाल हैं, उनमें जलन हो रही, बिल्कुल सुर्ख हैं जो कंजक्टिवाइटिस में होता है, तो आप बेलेडोना 200 पावर में दो दो बूंद दिन में 4 बार मरीज को दे सकते हैं। यह उनकी आंखों की लाली और कंजक्टिवाइटिस दोनों को ठीक करने में मदद करेंगी। एक साथियों स्थिति किसी के सामने आ सकती कि आपके कंजक्टिवाइटिस और आपको आगे धुआं, आंखों के आगे धुआं धुआं सा दिख रहा हो, अगर यह सिम्टम आप में है कि स्मोकी आइज आपकी हो रही हो, आइज में स्मोक आ रहा हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एलुमिना सिलिकेट। एलुमिना सिलिकेट आप 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपके स्मोकी आइज हैं और आपको धुआं ऐसा आंखों में महसूस हो रहा है, तो यह दवा आपकी मदद करके आपको ठीक करेगी। दूसरी दवा जो साथियों इस श्रृंखला की आती है, अगर आपके कंजक्टिवाइटिस है और साथ में आपके आँख से कीचड़ बहुत आ रहा है और आँख में जलन हो रही है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है यूफ्रेशिया। आप यूफ्रेशिया 200 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपके आँख में जलन हो रही है और आँख से कीचड़ भी आ रहा है, तो यूफ्रेशिया आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस है। एक स्थिति साथियों आती कंजक्टिवाइटिस में कि कंजक्टिवाइटिस आपको हुआ और आपके बहुत आँखों से पानी आ रहा हो, बिल्कुल आँखें लाल हो और पानी बहता जा रहा हो, और रात में आपको बड़ी बेचैनी पैदा हो रही हो और पानी भी आपका रात में आना आँख से बढ़ रहा हो, जो जलन कर रहा हो, अगर यह सिम्टम्स आप में हैं
तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है रस्टॉक्स। आप रस्टॉक्सिटिंडोन 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह आपकी आंखों से जो पानी आ रहा है जिसमें बहुत जलन है उसको भी कंट्रोल करेगी और आपके कंजक्टिवाइटिस को भी ठीक करेगी। एक स्थिति आती है कि आपकी आंख से कीचड़ आ रहा है, वह कीचड़ बहुत बदबूदार है, अगर उस ऑफेंसिव है, उसमें जो है दुर्गंध है, तो अगर वह बहुत दुर्गंध है उसमें और आंखें उससे चिपक रही हैं, तो उस स्थिति को कंजक्टिवाइटिस को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है पल्सेटिला। पल्सेटिला नाइग्रा 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। यह दवा आपके आंखों को ठीक करेगी, आपकी कीचड़ को ख़त्म करेगी, उसमें होने वाले इन्फेक्शन को ख़त्म करेगी और आपको ठीक करने में मदद करेगी। एक स्थिति साथियों आती है कि आपके कंजक्टिवाइटिस हो गया और हरे रंग का डिस्चार्ज आपकी आंखों से आ रहा है। अगर ग्रीनिश टिंच लिए हुए आपकी आंखों से म्यूकस का डिस्चार्ज आ रहा है, तो उसको और कंजक्टिवाइटिस को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है काली आयोडेट्रम। आप काली आयोड 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें। यह दवा आपको बहुत रिलीफ देगी और आपके कंजक्टिवाइटिस को भी ख़त्म करेगी और आपके ग्रीन म्यूकस जो आई से आ रहा है उसको भी ख़त्म करेगी। एक स्थिति साथियों आ सकती है कंजक्टिवाइटिस यानी पिंक आई की स्थिति में, कि जब आपकी आँखों से पानी आ रहा हो, उसमें जलन ना हो लेकिन आँखों से बहुत पानी आ रहा हो और आपको नज़ला हो गया हो, जिसमें कि नाक से जो पानी आ रहा हो उसमें जलन हो। अगर यह स्थिति आप में है कि आपको कोल्ड बहुत ज़्यादा हो गया हो कंजक्टिवाइटिस के साथ साथ और आपके नाक से जलन वाला पानी आ रहा हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एलियम सीपा। आप एलियम सीपा 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके कंजक्टिवाइटिस को भी ख़त्म करेगी और आपको ठीक करेगी। एक और साथियों बहुत बेहतरीन दवा कंजक्टिवाइटिस की है, जब आपके बहुत कीचड़ हो, आँखें चिपकती हों, नंबर एक दवा में होम्योपैथी की सुमार है कंजक्टिवाइटिस के लिए, वह है मरकौर। आप मरकौर 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार कंजक्टिवाइटिस की स्थिति में ले लें, आपको धोखा नहीं मिलेगा, आपको लाभ इस दवा से तुरंत महसूस होगा। एक जो साथियों बहुत कॉमन स्थिति आती है कंजक्टिवाइटिस में, कि वह आपके पीले रंग का मवाद ऐसा कीचड़ निकल रहा है, म्यूकस निकल रहा है और आपकी आंखें चिपक गई हैं, तो अगर यह स्थिति आप में है कि आपको येलो कलर का डिस्चार्जेज हो रहा हो आँख से और आँख चिपक रही हो, तो आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस उस स्थिति में बनती कैल्केरिया सल्फ्यूरिकम। आप कैल्केरिया सल्फ 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह आपका जो येलो कलर के डिस्चार्जेज आपकी आई से आ रहे हैं इसको ख़त्म करेंगे और आपको ठीक करेंगे। एक स्थिति साथियों आती है कंजक्टिवाइटिस के केस में, कि आपकी आंख से बहुत कीचड़ निकल रहा हो और आंखें बिल्कुल चिपक गई हों, बहुत सारा कीचड़ इकट्ठा हो गया और ख़ास तौर से सुबह के वक्त हो गया, सुबह उठे हों तो आपको कीचड़ से आंखें बिल्कुल ब्लॉक लगी होंगी। अगर वह स्थिति कंजक्टिवाइटिस की है, तो उस स्थिति को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है होम्योपैथी में बोरेक्स। आप बोरेक्स 200 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके कंजक्टिवाइटिस को ठीक करने में और आपका जो बहुत सारा म्यूकस निकल के आँखों को सुबह सुबह चिपका रहा है उसको ठीक करने में सहायक होगी। एक स्थिति साथियों कंजक्टिवाइटिस में आती है, कि आपके इतना कीचड़ चिपक गया हो आपकी आँख में कि आप उसको निकाल ना पा रहे हो, तो अगर यह स्थिति आप में देखते हैं कि आप इतना कीचड़ चिपक गया हो आँख में कि आप निकाल ना पा रहे हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एसिटिक एसिड। आप एसिटिक एसिड 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें। यह आपकी आई से हार्ड म्यूकस को, जो डिपॉजिटेड म्यूकस है उसको निकालने में, कंजक्टिवाइटिस को ठीक करने में मदद करेगी। एक स्थिति साथियों आती है कंजक्टिवाइटिस की स्थिति में, कि आपकी आँखों में बहुत ज़्यादा कीचड़ आ रहा हो, आँखें चिपक रही हों, उसमें कीचड़ में बदबू हो और आपको रोशनी से दिक्कत हो रही हो, तो अगर यह फोटोफोबिया का फैक्टर आप में है, रोशनी से दिक्कत का फैक्टर है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है अर्जेंटम नाइट्रिकम। आप अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपकी आँखों को भी ठीक करेगी, आपके फोटोफोबिया के इफेक्ट को भी ख़त्म करेगी और आपके कंजक्टिवाइटिस को भी कंट्रोल करेगी। एक स्थिति साथियों आती है कि आपकी आँखों में चुभन और गड़न बहुत हो रही हो और कंजक्टिवाइटिस हो, तो अगर यह स्थिति है कि आपकी आँखों में बहुत सूजन हो, लाल हो गई हो, आँखों की आईलिड्स लाल हो गई हो, आपकी आँखों में गड़न और चुभन हो रही हो,
तो उसको कंट्रोल करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, और दवा का नाम है एपिस मेलिफिका। आप एपिस मेल 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले लें। उस कंडीशन में जब आपको प्यास बहुत कम लगती हो या ना लगती हो, और आपकी आंखों में चुभन और गड़न वाला दर्द कंजक्टिवाइटिस के साथ हो रहा हो, यह दवा उस स्थिति में आपकी कंजक्टिवाइटिस को भी ठीक करेगी। एक स्थिति साथियों आती है कि आपके कंजक्टिवाइटिस की कंडीशन हो और आपको लगातार रहता हो आँख में कुछ धूल चली गई है, हर समय लगता हो आँख में धूल है और आपको बहुत परेशानी होती हो, तो अगर वो सेंसेशन आप में लगातार बार बार आ रहा है तो उसको ठीक करने की और उस सिम्टम से मैच करते हुए आपको कंजक्टिवाइटिस को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है होम्योपैथी में रूटा ग्रेवुलस। रूटा 200 पावर में आप दो दो बूंद दिन में तीन बार ले लें। यह दवा आपके आँख में जो डस्ट का सेंसेशन बार बार आ रहा है उस समस्या को ख़त्म करके आपके कंजक्टिवाइटिस को भी ठीक करेगी। यह साथियों कुछ दवाएँ थीं आपके कंजक्टिवाइटिस यानी पिंक आई को ठीक करने की। दवाएं साथियों बहुत कारगर हैं, लेकिन आँख बहुत ही बड़ी नियामत है ऊपर वाले की, तो आँख के संबंध में कोई दिक्कत हो, चाहे वो कंजक्टिवाइटिस है चाहे कोई और, आप यह वीडियो देख के अपने मन से दवा ना लीजिएगा, जो आपका रजिस्टर्ड मेडिकल पिटिशनर कहे आप उस तरह से वो दवा लीजिएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो आप हमें अपनी क्वेरी व्हाट्सएप कर सकते हैं या यूट्यूब नोटिफिकेशन पैनल पर लिख सकते हैं, आपको कोशिश करेंगे संतोषजनक जवाब दे पाएं। आपसे निवेदन करेंगे साथियों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों हमारे साथ इतनी देर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।